गाइस मैं जा रहा हूँ दोस्तों को छोड़ के, भाई भाई को छोड़ के, इनको भी छोड़ के, और इस R15M को मैं जा रहा हूँ लेके सीधा अपना मॉडिफिकेशन के लिए। ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, पहला स्टेज ये होगा कि जो इसके जो मिरर्स हैं, ठीक है, जिससे हम पीछे का देखते हैं साइड मिरर्स, उनको मैंने इंडिकेटर्स लगवाने हैं, जो कि R1M जो गाड़ी टॉप मॉडल है इसका, उसके मैंने इंडिकेटर्स मैं लगाऊंगा। और साथ में जो नीचे यहाँ पे ये साइड इंडिकेटर्स हैं, इनको चेंज करके मैं वहाँ पे उसको कुछ और लगवा दूंगा, वो रेक्टेंगल से शेप में आता है। बाकी अभी इतना ही है, धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट करते हैं। वॉइस की दिक्कत भी होपफुली अच्छी होगी होगी। सो लेट्स स्टार्ट जर्नी देन गाइस। ओके ब्रो, सेफ, बाय। ओके ब्रो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं जर्नी। यहीं से मोड़ूंगा गाड़ी फिर। लड़के खड़े हैं। अब देखते हैं कैसी आवाज आ रही है इसमें से, क्योंकि मैंने काफी मेहनत की है इसमें। होपफुली गाइस अब आवाज़ अच्छी आएगी, आराम से बोलूँगा, आराम से जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए गाइस फिर, मेन चक्कर ये है कि इसमें आवाज़ की दिक्कत आ रही थी, हम लोगों ने वही यहाँ 4-5 घंटे पूरी आवाज़ में लगाई है इसके, और अभी भी इतना सही नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी होपफुली कोई नॉइज नहीं आएगा बैकग्राउंड। ये रास्ता पता नहीं कौन सा है, मेरे को याद नहीं है, पर इधर से निकलते हैं। काफ़ी स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, तो आराम से गाड़ी आराम चलानी चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए। स्कूल एरिया है लगता है, सो काफी बिजी लग रहा है मेरे को ये। सो गाइस यार लोग यहाँ पे यार मानते नहीं है, कहाँ पे लोगों ने खड़ी कर रखी है अपनी गाड़ियाँ। गाइस यहाँ पे हॉर्न मारना पड़ता है इंडिया के अंदर, जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप हॉर्न नहीं मारोगे तो फिर ऐसे ही रहेगा काम। सो गाइस टेलीकॉम चलता हूँ, मिरर सही कराने आज पैसे निकाल के। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, बस इसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी फटी फटी सी आ रही थी। आई होप कि जब आवाज़ अच्छी होगी, अब आगे आ रहा है। गाड़ी देख सकते हो आप, थोड़ा नीचे झुकाता हूँ, आगे भी देखना जरूरी है। जो फट रही है वो विंड ब्लास्ट है, चल रहा हूँ मैं अपने मस्त तरीके से। यहाँ पे कभी भी कहीं से भी लोग आ जाते हैं तो केयरफुल होना चाहिए यहाँ पे, तो क्योंकि लोग भाई यहाँ पे रुकते नहीं किसी के लिए। आज ठंड भी बहुत है, इस एरिया में खासकर यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लोग दूसरे रास्ते को जाते हैं, उधर से मुड़ के तो उधर से मुड़ के तेजी में आ रहे होते हैं, तो
कोई लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखता, कोई सीधा ही भगाता है। इसलिए अपनी आपकी सेफ्टी अपने हाथों में है, बाकी तो कुछ नहीं। एज यू कैन सी वी आर गोइंग स्लो एंड स्टडी, जो कि हमारा जाना बनता है। वो जो लड़के थे बड़े अच्छे थे, इन्होंने मेरी माइक की दिक्कत फिक्स करने में मेरी कोशिश की। एक के पास GoPro है और GoPro से तो काफ़ी अच्छी होती है वीडियो रिकॉर्डिंग। ये लोग कहाँ खड़े हो रखे हैं, ये हमारी साइड है। सो गाइस आई एम हेडिंग, कहाँ जा रहा है यार ये? गुस्सा आया मेरे को क्योंकि इसने एकदम से हाँ बोल लिया, क्योंकि एक से एक महाशय है गाइस यहाँ पे। आज शीशे चेंज हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। गाइस मैं भगा नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि ये इनसे बच के रहो गाइस। टेम्पुओं से टेम्पू दो तरह के होते हैं, गाइस आगे एक फ्लावर आने वाला है। अभी ये रश टाइम है कि स्कूल की छुट्टी हो रही है, सो बहुत केयरफुल होकर चलाना पड़ेगा। खासकर यहाँ पे देखो, इधर से निकालता हूँ मैं जंबो जेट बना के अपनी गाड़ी को। मैं सक्सेसफुली निकल गया, जिसकी मुझे खुशी हो रही है। गाइस यहाँ एक्सीडेंट हो गया लगता है, देख सकते हैं एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। फौजी यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यही है गाइस जब एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट का कारण मैंने बताया था क्यों होता है, एक्सीडेंट का कारण वही है। आपको बताइए ट्रैफिक सिस्टम यहाँ पे। और आर्मी वाले वैसे गलती करते नहीं है, मैं आर्मी वालों को मतलब बहुत कम नहीं है मतलब देखता हूँ गलती करते हुए। जब तक सिविलियन ही होते हैं जिनको आग लगी रहती जाने की, मुझे लग रहा है वन ऑफ देम केस, वही केस लग रहा है मेरे को। सो गाइस ये आ गया फ्लाई ओवर, हम यहाँ से करेंगे फ्लाई। एज यू कैन सी स्पीड 40 की है, भगाने को मैं भगा सकता हूँ, लेकिन ये चक्कर है कि भगा के विंड ब्लास्ट होगा शायद मेरे हिसाब से खतरनाक वाला। जहाँ पे मैंने तेज किया था स्पीड, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी की अपनी जो मुंह का वॉल्यूम था वो मैंने कम कर लिया था। सो गाइस ये थी अभी तक की जर्नी। यहाँ पे है ग्रीन सिग्नल्स, मुझे निकालना होगा गाड़ी सीधा। जिसका मुझे इंतजार था वो तो यहाँ बैठा है, पहले ही है ना। हाँ मेरे को ही चाहिए भाई ऐसा, प्लीज। अरे कहाँ मिलती है भाई ऐसी, मन में भी चाहिए मन में। सो गाइस यहाँ पहुँच गए हैं सारंपुर चौक, सारंपुर चौक ही है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर जो भी है पहुँच गए आगे। फ्लाई ओवर के बाद मैंने वीडियो थोड़ी रोक दी थी,
बीच में जैसे आपको पता ही एक्सीडेंट हो गया था पीछे। अब जैसे इंडिया में रोड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लोगों की आदतें हैं, तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। अब वो देखो यहाँ पे देखो कितना भीड़ है। कैसी कैसी आवाजें लगा रखी गाड़ी में, कितनी बेकार लग रही हो। ओ भाई क्या कर रहा है इसने गाड़ी का। जिंदगी एक सफर है सुहाना। गाइस ये देहरादून में है जगह, जैसे कि आपको पता है कि मैं उत्तराखंड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। तो ये एक ये रेलवे स्टेशन से जस्ट पहले है। अब मेरे आगे आप देख सकते हो कि एक माँ जा रही है अपने बच्चे के साथ, लेकिन क्या हो रहा है कि बच्चे ने सिर्फ माँ की चुन्नी पकड़ रखी है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि यार बच्चा गिर जाए, पीछे से कोई गाड़ी आ रही, तो यार कितना नुकसान हो सकता है यहाँ पे। तो भैया ये तो फिर लापरवाही है। फिर गाइस अपन चल रहे हैं 17 किलोमीटर्स। आगे देख सकते हो आप साइन बोर्ड जो आ रखा आगे दिख रहा है आपको, मसूरी 35 किलोमीटर। और जहाँ मैं जा रहा हूँ अपने शीशे लगवाने गाड़ी के, वो यहाँ 10 किलोमीटर होगा कम से कम। तो देख लो गाइस, पापा की परी ठोक गई है, बच गया। इसने मेरे को ठोक गया, पापा की परी ने गाइस ठोक गया था मेरी लिटरली। अगर मैं आगे ब्रेक ना मारते तो मेरे दो प्यारे हाथ सही हो जाते, हो गए थे लियरली। सो गाइस लड़कियों के पीछे मत चला करो कभी भी, लड़कियों से दूर रहा करो या औरतों से। देखो हेलमेट नहीं पहन रखा मैडम ने, फिर भी निकल रही है। यह है गाइस रेलवे स्टेशन देहरादून का, यहाँ से आप कहीं भी आ सकते हो। एक इशू आ रही गाइस, एक अंग्रेज यहाँ खड़ा है, पता नहीं कहाँ जाना है इसको। बेचारे को इंडिया में वीजा लग रहा होगा, क्योंकि जब हम इनके देश में रहते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होने देते, लेकिन जब ये हमारे देश में आते हैं इनको बेचारों को तकलीफ बहुत सहनी पड़ती है, लोग लूटते बहुत हैं इनको। तो गाइस वो गाड़ी का उसने क्या कर रखा था आई डोंट नो। फिलहाल तो मैं रेलवे स्टेशन क्रॉस कर लिया है गाइस, हम अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे लोग कैसे, यहाँ पे हम जस्ट इन्ना मुन्ना बिल्डिंग जो है जहाँ पे बाइक मॉडिफिकेशन होती है, बहुत सारी जगह है जहाँ बाइक के आप पार्ट्स बाइक ठीक बाइक ले सकते हो, बेच सकते हो अपनी गाड़ियाँ। मैं जस्ट उससे थोड़ा सा आगे हूँ और यहाँ आप भीड़ देख सकते हो कि कोई कहीं भी उतर जा रहा है, कोई लॉ ऑर्डर कुछ नहीं है, रूल्स रेगुलेशन। आंटी आगे बढ़ो। तो गाइस अपनी जान बचा के मैंने, मतलब यहाँ पे रोज जंग लड़ने आते हो और रास्ते पे तो अपना कलेजा जो थोड़ा वीक हार्ट वाले हैं, अपना कलेजा थोड़ा हाथ में रखना तब निकलना रोडों पे, वरना सब सही है। गाइस ये आ गया घंटाघर, यहाँ पे आप अपने शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ से हम स्कूल टाइम पे आते थे यहाँ पे किताबें लेने, अब तो वो दिन चले गए हैं, लेकिन हाल वैसा ही है, बुरा ही हुआ है लेकिन हालात वैसे ही हैं बाजार के, उससे और ज़्यादा वो हो गया, और ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया एरिया। बट यू नो अपनी राम प्यारी भी जा रही है मस्त 19 की स्पीड पे। आगे देख सकते हो आप क्लॉक टावर आ गया, और हम लोग जा रहे हैं यामा के शोरूम की साइड, जहाँ पे कि मेरे आगे के इंडिकेटर्स चेंज होंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बात हो चुकी थी इस चीज़ की। ये देखो गाइस ये राउंड अबाउट
जहाँ से आप गोल घेरा बनाते हो, मतलब सबको एक लेन में चलना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो जैसे आप समुंदर में मच्छी का जाल फेंकते हो तो मच्छियाँ आती है ना, वैसा यहाँ का हाल है। ये कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से मोड़ रहा है, वो देखो एक्सीडेंट हो गया था अभी। सो गाइस बी केयरफुल, आप जा रहे हो आप इस गाड़ी को भगा सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं भी अभी अभी सीख ही रहा हूँ। सो गाइस जब खाली होती सड़क तो आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसी बिजी भारी भरकम रास्तों में कैसे करोगे बताओ आप। अभी जो करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो मानते नहीं है, उनकी वजह से दूसरों का एक्सीडेंट हो जाएगा, यही हो सकता है। बाकी गाइस मैंने मोड़ ली गाड़ी अपनी राजपुर रोड की साइड, जहाँ से ये राजपुर रोड पड़ता है देहरादून में, उत्तराखंड के अंदर स्टेट है। अभी तो फिलहाल मैं देहरादून ही घूम रहा हूँ, और जो मेरा काम चल रहा है वो भी देहरादून से चल रहा है। आने वाले टाइम पे अपने आप को और चैनल को अपग्रेड करूँगा, और कुछ एक्सट्रीम जगह में जाऊँगा, ताकि थोड़ा सा आपको भी रोमांचित कर दूँ, रोमांचित थ्रिल। ये जा रही है मर्सिडीज SLK AMG, पता नहीं कौन सी है, मेरे फ्रेंड के पास भी थी है UK में, और हमने बहुत मज़े लिए इस कार के। ये देखो गाइस, उसने कभी भी मोड़ लिया ऐसे ही मोड़ लिया, और ये बच्चे याद आ रहा है। बस वाला भी हल्का सा किल्ली दे रहा है। तो गाइस ये हालत है यहाँ के, क्या ही बोलूँ, बस आपकी सेफ्टी अपने हाथ में है। आप देख सकते हो ये बस को, कहाँ कोई नहीं इसके आगे, लेकिन फिर भी हॉर्न मार रहा है पागलों की तरह। लेकिन ये लोग बीच में क्या कर रहे हैं, ये गाड़ी ने यहीं से मोड़ लिया, पुलिस वाला वहाँ लगा पड़ा है, ये भाई ने यहीं से कुछ जंप मार लिया। ऐसा इंग्लैंड में होता तो यार हार्ट अटैक आ जाता लोगों को, हालांकि जो हो नहीं सकता, ये इंडिया है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया। दिस इज स्कूल जोन गाइस, तो यहाँ पे स्पीड लिमिट कम ही होनी चाहिए। बच्चे बाहर निकल रहे हैं घर स्कूल से, और गाड़ी वाला हॉर्न पे हॉर्न मार। चलो कोई ना। सो गाइस दिस इज वेरी गुड गाइस, क्या वेरी गुड गाइस, मेरा मतलब ये कहना था कि वो जो बाइक थी बहुत अच्छी बाइक थी, वेरी गुड बाइक, एक्सीलेंट मॉडिफिकेशन सरदार जी ने अच्छा किया हुआ था। एक्चुअली गाइस वैसी गाड़ियाँ मेरे को पसंद नहीं है, बात ये है, मेरे को स्पोर्ट्स लुक पसंद है गाड़ी का शुरू से रहा है, और भगवान करे तो आगे मैं इसकी R15 का ही R1M या R कोई भी R6 वर्जन लूँगा, धीरे धीरे अपग्रेड करूँगा अपने आप को। अभी तो ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, जहाँ भी जाते हैं एक ना एक बार लोग इसको देखते जरूर हैं, और मैंने अभी तक बहुत कम देखी है ये गाड़ी देहरादून में, या तो लोग इसको लेते नहीं जानबूझ के, जहाँ तक लोग नेकेड लेते हैं यहाँ पे, या तो KTM या किसी को ये बाइक समझ में ना आई होगा, लेकिन अपने लिए तो भाई ये गाड़ी बड़ी मस्त है, इसी में पूरी वीडियो बनाते हैं। अरे भाई रुक जाओ आराम से भाई, भैया पूरे 10 रुपए का डाल दो, पूरे 10 रुपए का, हाँ ये थोड़ा सा आगे जाना है बस। हाँ पूरे 10 रुपए का तेल भैया से डलवाएंगे हम, वो देख सकते हो आप। और 10 लीटर तेल आ गया है, टंकी फुल, थैंक यू भैया।
यार इसकी चाबी इसमें। पूरे 10 रुपए का इसने तेल खाया है आगे तक जाने के। भैया ना खुश पूरे पर 10 रुपए का तेल डाल। So guys, पहुंचने वाले हैं ऑटो सेंटर जहां पे कि ये मिरर चेंज रहेंगे इसके। ये एरिया पूरा स्टूडेंट्स का, तो यहां पे तो ये चीजें लाजमी होगा। यहाँ पे एटीएम कहाँ पे होगा बस ये देखना है मेरे को। यहाँ पूरे यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स सारे यहीं पर ही हैं। और आप भी जहाँ भी हो दुनिया में, दुनिया कह रहा हूँ पूरे इंडिया में, अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए या यूनिवर्सिटी चाहिए आप देहरादून आ जाओ। बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। आओ और मजे लो। आपने दिखाई रहा हूँ आपको कि क्या कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितने सारे स्टार्टअप्स खुले हुए हैं। मेरा डेस्टिनेशन आ गया है। भैया वो मेरा काम करेंगे। सो गाइस ये आ गया अपना डेस्टिनेशन। पता नहीं यार जो आगे भैया हैं उनसे मैंने बोला था ये क्या हो गया 0.5 भैया जूम नहीं। ये ऑटो सेंटर जहाँ पे मैं मिरर मंगाए हैं। भैया भैया आ गए मिरर इसके। अरे यार अच्छा अच्छा अरे मेरे को पता नहीं था यार आपने मुझे, मुझे लगा आपके पास अवेलेबल होंगे आज। फिर कल आ जाएगा कि नहीं? उम्मीद पूरी है कल आ जाए, आज शाम में आ जाए। मेरा फोन नंबर लिखा था आपने? हाँ नंबर लिखा था मैंने। हाँ ठीक है फिर भैया मेरे को फोन पक्का कर देना यार। ओके सो गाइस मिरर तो अभी तक आए नहीं क्योंकि जो जो मिरर्स हैं इंडिकेटर्स वाले वो हर कोई डिमांड कर रहा अभी तो स्टॉक में नहीं है। फिलहाल जो ये एरिया है पूरा देख सकते हो आप, पूरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। सो आज का जो मेरा मिशन था फेल हो गया। सो यहाँ पे दो यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो IMS दूसरा DIT। ये IMS से आगे DIT है। पहले आते थे हम लोग यहाँ पे गाइस। जो आज का जो ट्रिप थी वो तो बेकार गई क्योंकि मेरे सभी भी नहीं आए इंडिकेटर्स वाले। सो ये DIT आपका, सो यू कैन सी मेड इन आउट। यहाँ पे पूरा सारा स्टूडेंट्स एरिया है।
पूरे जो भी इतने भी यहाँ पे ढाबे टाइप के रेस्टोरेंट है सारे स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं। तो अगर आप लोग भी अभी स्कूल पास करने वाले हो और आपको एक बेटर एनवायरनमेंट चाहिए घर से दूर, सो यू कैन कम टू दिस एरिया। आप इस इन एरिया में आ सकते हो और आपके लिए यहाँ से मसूरी 20-22 किलोमीटर दूर है पूरी दुनिया से जहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए और पढ़ने के लिए। इससे अच्छा एनवायरनमेंट क्या मिलेगा आपको सिटी से दूर, पूरा क्लीन ग्रीन सिटी, ग्रीन एरिया। सो गाइस यू कैन सी जहाँ तक यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे और इनके अकोमोडेशन यहाँ पे अवेलेबल। सो यू गाइस कैन कम हियर, यू गाइस कैन कम एंड चिल व्हाइल यू गाइस आर स्टडिंग। आई थिंक यहाँ पे ये हाउसिंग भी है, मतलब जैसे फ्लैट्स भी हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया भी है ये। सो गाइस मेरा ये जर्नी था एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर लेकिन भैया ने बोला जैसे मिल रहेंगे तो आपको फ़ोन कर दिया जाएगा, इसलिए मैं अब वापस लेता हूँ घर को, क्योंकि वीडियो एडिट भी करनी होती है, डालनी भी होती है और वॉइस क्वालिटी बार बार चेक करना भी होता है। और अभी देखता हूँ कैसी वॉइस क्वालिटी आ रही है। सो गाइस यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ अपनी जर्नी, आज तो काम नहीं हुआ गाड़ी में। सो एक दो इशू बता देता हूँ यामा R1M के, कि इस गाड़ी में ये होगा कि आप जब ट्रैफिक में चल रहे हो तो ट्रैफिक में आपकी गाड़ी हीटअप बहुत ज़्यादा होगी। अब मुझे नहीं पता क्योंकि ये नई गाड़ी है इसलिए, या तो क्योंकि जब मैं शोरूम गया था उन्होंने मुझे ये बोला था कि भाई ये नई करके इसलिए गर्म हो रही है, तो हो सकता है तो जब मैं पहला सर्विस कराऊंगा तो डालूंगा वीडियो। फिर फिलहाल तो आप देख सकते हो कि यार ये एक दो हफ्ते के अंदर ही 600 किलोमीटर चल गई है, तो कंफर्टेबल मैं यार क्या ही बोलूँ, कंफर्टेबल तो यार डिपेंड करता है आपका एज क्या है। बाकी अगर आप ये ऐसी गाड़ी लेना चाहते हो कि यार जो स्पोर्ट्स में और चीप भी हो, तो यार इससे बढ़िया गाड़ी और इससे बढ़िया लुक आप मिलेगा ही नहीं। तो भाई मैं तो इसको बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ, और जब आप रास्ते में इसको निकलते हो लेके तो कोई ना कोई एक बार निगाह जरूर मार लेता है कि यार चेक करते कि कौन सी गाड़ी, इसका मतलब ये आई कैचिंग है, अट्रैक्टिव है, क्योंकि बहुत सारी जाती है, पल्सर जाती है और भी बहुत सारी जाती है, मतलब नॉर्मल जो इस लेवल इस क्लास की गाड़ियाँ हैं तो उनको कोई देखता नहीं, लेकिन जब भी ये गाड़ी दिखती है तो लोग निगाह जरूर मार लेते हैं। सो इस प्लस पॉइंट यामा के लिए, और यामा ने मार्केट में अपनी काफ़ी ज़्यादा धाक बना रखी है, पहले बजाज था अब यामा आ गई है, क्योंकि इनको यूथ को करना होता है हिट, तो यूथ को तो ये बाइक बहुत पसंद है यामा की। और इसकी टॉप स्पीड भी यार बता रहे हैं कि 155, हालांकि उस पर कोई मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो लड़के रेसिंग करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उनके लिए ये बाइक सही है। पिकअप भी अच्छा है इसका, और 150cc में, और उससे बढ़िया पावर क्या मिलेगा आपको। सो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक की जो जर्नी थी ऑटो पार्ट्स तक की। अभी जब भाई अगली बार जब मैं ये कराऊँगा तो वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल डाल नहीं सकता। सो तब तक के लिए हो सकता कल एक नई डेस्टिनेशन पे जाएं, क्योंकि पूरा उत्तराखंड दिखाना है पहले लोगों को, उसके बाद जर्नी धीरे धीरे अपना कंटेंट बनाएंगे बाहर जाके, कैसे हम लोग गांव में दिखाएंगे आपको, पहाड़ों की साइड दिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने आउट ऑफ उत्तराखंड जाएंगे, फिर ऑल ओवर इंडिया कवर करके। आई होप कि यार चैनल सक्सेस होगा, और इसी उम्मीद से मैं बैठा हूँ, मेहनत पूरी है, दिन रात वीडियो एडिटिंग करता हूँ, रात रात तक जाग के वेट करता हूँ कब वीडियो एडिट होगी और कब अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी बहुत बेसिक लेवल है, क्योंकि अभी आवाज़ भी ठीक करनी होती है कई बार, तो इतने टेस्ट कम 10-12 चक्कर तो टाउन के लग जाते हैं कि आवाज़ ठीक करनी माइक की, और जब होता है तो फिर कभी कभी फिर दोबारा वही फटी सी आवाज़ आने लग जाती है, तो उस चक्कर में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है बार बार। चलो गाइस होप यू गाइस लाइक्ड इट, एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।